हाय एवरीवन दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसे मैं डिस्कस करूंगा इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच यानि कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शॉर्ट में जिसे डब्ल्यू e. कहा जाता है उसके द्वारा जारी की जाती है प्रतिवर्ष यानी कि लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है जेंडर गैप रिपोर्ट जिसे कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है और जो दो के लिए जो रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है उस रिपोर्ट को आज हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले समझते हैं कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार तो अगर भारत की रैंकिंग को देखा जाए वर्ष 2022 की जो भारत की रैंकिंग है वह 146 देशों में 135 रैंकिंग है भारत की अगर स्कोर देखा जाए तो 0.629 भारत का स्कोर रहा है यही अगर पुराने वर्ष से भारत की जो रैंकिंग है उसकी कंपेरिजन की जाए उसकी तुलना की जाए तो पिछले वर्ष जो भारत की रैंकिंग थी वह एक देशों में एक रैंकिंग थी और इस वर्ष की जो रैंकिंग है वह एक देशों में एक रैंकिंग है रैंकिंग के स्तर पर निसंदेह भारत की पाँच अंकों की सुधार पाँच रैंक की सुधार देखने को मिली है लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग संतोषजनक नहीं है क्योंकि जो नीचे के जो ग्यारह कंट्री हैं उनमें भारत का स्थान शामिल है क्योंकि एक में एक स्थान भारत का है तो आप प्रिलियम्स फैक्ट्स की दृष्टि से याद रखिए कि वर्तमान जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है दो की उसमें भारत की रैंकिंग क्या है एक रैंकिंग है पिछले वर्ष की तुलना में कितने रैंकिंग में सुधार आई है तो पांच रैंक में सुधार आई है पिछले वर्ष एक थी इस वर्ष एक हुई है इसके अलावा इस वर्ष 2022 की जो रिपोर्ट जारी की गई है लैंगिक अंतराल सूचकांक उसमें भारत का स्कोर क्या है तो 0.629 ये सारे रिलायंस फैक्ट्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण है अब हम लोग देखते हैं कि यह जो रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट इस रिपोर्ट के कौन-कौन से इंडिकेटर्स हैं यानी कि किन मानकों के आधार पर यह रैंकिंग तय की गई जिसमें भारत ने 135वां स्थान प्राप्त हुआ है तो इस सूचकांक के अगर इंडिकेटर्स को देखें तो इस सूचकांक के चार इंडिकेटर्स हैं जिनमें पहला इंडिकेटर जो है आर्थिक सहभागिता एवं अवसर इसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑपरचुनिटी इस रैंक इसमें अगर देखा जाए तो भारत का स्थान एक है यानी कि आप समझिए कि एक देशों में भारत का स्थान इस मानक के अंतर्गत एक है ठीक है इसके अलावा जो सेकंड इंडिकेटर हैं सेकंड इंडिकेटर शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित है एजुकेशनल अटेनमेंट इसमें भारत का स्थान देखा जाए तो एक स्थान है आउट ऑफ 146 कंट्रीज कुछ हद हाँ तक संतोषजनक इसमें स्थान भारत का अवश्य प्राप्त हुए हैं लेकिन जो स्वास्थ्य सेक्टर है स्वास्थ्य से संबंधित जो इंडिकेटर्स है जिसे हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडिकेटर को कहा जाता है इसमें भारत का स्थान एक स्थान प्राप्त हुआ है वर्स्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड विश्व के सभी देशों में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के इंडिकेटर के के मानक स्थान पर भारत का स्थान है इसमें इस इस चार इंडिकेटर है इन चारों इंडिकेटर के अंतर्गत भी भारत के अलग अलग स्थान प्राप्त हुए हैं और अगर टोटल को मिला दिया जाए तो भारत का रैंक जो प्राप्त हुआ है वह एक रैंक है लेकिन उसके एक इंडिकेटर आर्थिक सहभाग्यता अवसर में भारत की रैंकिंग 143 है शैक्षणिक गतिविधियों में भारत की रैंकिंग 107 है हेल्थ से संबंधित भारत इंडिकेटर में भारत की रैंकिंग 146 है और जो चौथा इंडिकेटर है वह राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि पॉलिटिकल इम्पावरमेंट अगर पॉलिटिकल इम्पावरमेंट में भारत की रैंकिंग देखा जाए तो बहुत हद तक इसमें भारत की रैंकिंग इन चारों इंडिकेटर में भारत की रैंकिंग इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग है इनमें भारत की रैंकिंग है फोर्टी आउट ऑफ वन कंट्रीज यानी कि इन सभी चारों इंडिकेटर में भारत को अलग अलग स्थान प्राप्त हुए हैं जिनमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन पॉलिटिकल इम पावरमेंट इंडिकेटर में देखने को मिला है वहीं सबसे खराब परफॉर्मर सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडिकेटर में भारत को देखने को मिला है जिसमें 146 फोर्टी रैंक प्राप्त हुई है और और पॉलिटिकल इंपावरमेंट में फोर्टी रैंक प्राप्त हुई है तो इस प्रकार से इस सूचकांक के चार इंडिकेटर हैं अब हम लोग देखते हैं कि इस सूचकांक के टॉप कंट्रीज कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे कि आप कोई भी इंडिकेटर जेंडर गैप रिपोर्ट का इस वर्ष का हो या पिछले वर्ष का भी रिपोर्ट देखेंगे आइसलैंड उसमें टॉप पर है इस वर्ष की रिपोर्ट में आइसलैंड पहले स्थान पर आइसलैंड का है सेकंड रैंक जो आई है वह फिनलैंड को प्राप्त हुई है थर्ड रैंक पर नॉर्वे है फोर्थ रैंक पर न्यूजीलैंड है और फिफ्थ रैंकिंग जो स्वीडन की आई है तो इस प्रकार से ये जो पांच कंट्रीज हैं वह टॉप फाइव कंट्रीज हैं जेंडर गैप रिपोर्ट लैंगिक अंतराल सूचकांक दो हजार बाईस की सूचकांक के, के अंतर्गत इनमें अगर रैंकिंग रैंकिंग तो हमने देख लिया अगर स्कोर पूछा जाए कि सबसे अच्छा रैंक आइसलैंड को प्राप्त हुई तो उसके स्कोर कितने हैं तो उसका स्कोर है जीरो पॉइंट नाइन जीरो एट ठीक है, यानी कि काफी अच्छा स्कोर इसे कहा जा सकता है जीरो पॉइंट नाइन जीरो एट एकमात्र ऐसा विश्व का देश है जहां पर लैंगिक अंतराल की जो गैपिंग है वह नाइन्टी पॉइंट एट परसेंट है यानी कि 90% परसेंट से ज्यादा क्रॉस करने वाला जो जेंडर गैप है मेल और फीमेल के बीच जो जेंडर गैप देखने को मिलती है उनमें एकमात्र ऐसा देश जिसका 90 परसेंट से ज़्यादा परफॉर्मेंस 90 परसेंट से ज्यादा स्कोर जिसने प्राप्त किया है वह एकमात्र देश है आइसलैंड और आइसलैंड की स्कोर क्या है 0.908 सेकंड रैंक पर है फिनलैंड फिनलैंड का अगर स्कोर देखा जाए दे तो जीरो थर्ड रैंक पर नॉर्वे है उसका स्कोर 0.845। फोर्थ रैंक पर न्यूजीलैंड है जिसका स्कोर 0.841 और फिफ्थ रैंक पर स्वीडन है जिसका स्कोर 0.822 है इस प्रकार से पांचों देश जो हैं वह विश्व के टॉप फाइव कंट्रीज हैं जेंडर गैप रिपोर्ट दो के अनुसार अब इस रिपोर्ट में भारत और उसके पड़ोसी देशों का हम लोग स्कोर देखते हैं भारत का स्कोर हमने ऊपर ही देखा है भारत ने एक स्थान प्राप्त किया है 146 देशों की सूची में जिसका स्कोर 0.629 भारत ने स्कोर प्राप्त किया है वहीं अगर पड़ोसी देशों की की तुलना की जाए तो पड़ोसी देशों में नेपाल का प्रदर्शन सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है नेपाल का नेपाल का 92 यानी कि बानवेवा स्थान नेपाल ने, ने, ने प्राप्त किया है जिसका स्कोर 0.692 है दूसरे नंबर पर म्यांमार एक रैंक के साथ 0.677 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर म्यांमार हैं भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका का स्थान वन रैंक है और भूटान का स्थान वन है इस प्रकार से पड़ोसी सों की भी अगर तुलना की जाए तो उनमें नेपाल दक्षिण एशिया की अगर आप सूची बनाएंगे कि दक्षिण अगर पूछ दिया जाए प्रश्न के अनुसार कि सार्क कंट्रीज में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किस देश का है ठीक है या फिर भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किस देश का है तो ऐसी स्थिति में आपको पड़ोसी देशों के साथ भी भारत की जो रैंकिंग आई है भारत की जो स्कोर हैं उसकी कंपेरिजन आपको याद रखनी होगी तो आप याद रखिए नेपाल की रैंकिंग नाइन्टी है वहीं भारत की रैंकिंग वन है तो इस प्रकार से हमने भारत और पड़ोसी देशों की रैंकिंग को समझने का प्रयास किया Ahead. हमने टॉप कंट्रीज की रैंकिंग को देख लिया भारत और पड़ोसी देशों की रैंकिंग को देख लिया अब हम लोग देखते हैं कि बॉटम फाइव कंट्रीज कौन कौन से हैं आखिर कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिन जो इस सूची के अंतर्गत सबसे निम्न पायदान पर रहे हैं तो सबसे निम्न पायदान अगर एक 140 देशों की सूची में एक स्थान किसी देश ने अगर प्राप्त किया है तो वह है अफगानिस्तान अब अफगानिस्तान की पोलिटिकल सिचुएशन को और इकोनॉमिक पोलिटिकल सिचुएशन से जुड़ी हुई होती है इकोनॉमिक सिचुएशन तो आप उस इस सिचुएशन को आप देखकर कर समझ समझिए पिछले एक दो वर्षों में अफगानिस्तान की क्या स्थिति रही है तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान की इसमें निम्न स्थिति रह सकती है और अफगानिस्तान की इसमें निम्न स्थिति रही है एक स्थान अफगानिस्तान ने बनाया है और जिसका स्कोर 0.435 रहा है एक एक सौ पैंतालीसवें स्थान पर पाकिस्तान है उसका स्कोर यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है एक सौ स्थान पर कांगो है एक सौ तैंतालीसवां स्थान पर ईरान है एक सौ स्थान पर चाड है यानी कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं अक्सर वह सबसे अच्छा परफॉर्मर आइसलैंड रहा है सबसे निम्न प्रदर्शन किस देश का रहा है तो अफगानिस्तान का रहा है भारत की रैंकिंग कितनी है तो वन भारत की रैंकिंग है पड़ोसी देशों में अगर विकल्प रहा कि निम्न में से किस देश ने भारत से सर अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके आधार पर आपको विकल्प के अनुसार वहां पर बताने होंगे लेकिन बॉटम फाइव कंट्रीज में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान कांगो ईरान और चाड ये बॉटम फाइव कंट्रीज की सूची में शामिल हैं तो इस प्रकार से इस इंडिकेटर हमने इस सूचकांक के इंडिकेटर को देखा भारत की रैंकिंग को देखा देखा टॉप कंट्रीज की सूची को की को लिस्ट हमने देखा और बॉटम फाइव कंट्रीज कौन कौन से हैं इस लिस्ट को हमने यहां पर समझने का प्रयास किया है अब हम लोग देखते हैं कि इस सूचकांक की मुख्य बातें कौन कौन सी रही है इस सूचकांक की अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई फैक्ट्स है सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स में से एक है कि लैंगिक लैंगिक अंतराल सूचकांक जब डब्ल्यू e. के द्वारा जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा तो इसके द्वारा कहा गया है कि अभी जो जेंडर गैप विश्व के विभिन्न देशों में देखने को मिल रहे हैं इस जेंडर गैप यानी कि लैंगिक अंतराल को पाटने में इसे समाप्त करने में अभी भी विश्व को एक वर्ष और समय लगेंगे अगर दो की रिपोर्ट को देखा जाए तो यह समय सीमा एक वर्ष कही गई थी लेकिन दो 2022 ईस्वी में कही गई है कि आगामी 132 वर्ष समय लगेंगे लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में लैंगिक अंतराल को पाटने में तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण फैक्ट है भारत की अगर पिछले वर्ष की कंपेरिजन किया जाए अभी हमने बताया कि 2021 में भारत ने एक स्थान प्राप्त किया था 2022 में भारत का स्थान एक स्थान प्राप्त हुआ है तो आखिर यह प्रश्न है कि आखिर भारत के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों में जेंडर गैप को लेकर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है तो दो ऐसे सेक्टर हैं वहाँ पर भारत के अंतर्गत ही पॉजिटिव बदलाव पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं उनमें पहला सेक्टर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंतर्गत हमने वहाँ भी देखा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भारत का स्थान फोर्टी एट है आउट ऑफ वन फोर्टी सिक्स कंट्रीज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है एक सौ अन्य जो सूचकांक है उसके तुलना में तो इसमें देखा जाए तो महिला सांसदों विधायकों वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रबंधकों की हिस्सेदारी जो पहले फोर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट थी चौदह पॉइंट छः परसेंट था वह बढ़कर सेवनटीन पॉइंट सिक्स परसेंट हो गई है तो एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है इसके अलावा दूसरा जहां पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है वह पेशेवर एवं तकनीकी श्रमिकों के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी 29.2 परसेंट से बढ़कर 32.9 परसेंट हो गई है यानी कि यहां भी लगभग तीन प्रतिशत की आप सकारात्मक पॉलिटिकल चेंजेज आप देखने को मिल रहा है यहां पर और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंतर्गत भी यहाँ पर लगभग तीन जो है वह पॉजिटिव चेंजेज हमें देखने को मिला है तो इस प्रकार से इन दो क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा सकारात्मक बदलाव देखने को मिले और यही कारण है कि भारत के तो भारत की रैंकिंग में बदलाव देखने को मिला है तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप में जेंडर गैप रिपोर्ट जो की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है लैंगिक अंतराल सुचकांक से संबंधित विभिन्न प्रीलिम्स फैक्ट्स को हमने समझने की कोशिश की है इससे संबंधित मेंस मॉडल ऑफ आप, आंसर आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपको प्रोवाइड किए जाएंगे थैंक यू सो मच बहुत-बहुत धन्यवाद